माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के संविधान को माथे से लगा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी पार्टी के नेता ये कहते थे कि 400 पार सीटें मिलते ही संविधान बदल देंगे, आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के संविधान ने नरेंद्र मोदी को झुका दिया। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने तानाशाही की राह पर चल रहे एक शख्स को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये भारत के संविधान की जीत है, ये भारत के लोकतंत्र की जीत है और ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों की जीत है। मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो उन्होंने अपनी तीसरी सरकार की शुरुआत नई संसद से नहीं की, वही नई संसद जहां मोदी ने राजतंत्र और तानाशाही की प्रतीक सेंगोल को स्थापित कराया था, वही नई संसद जहां मोदी ने उद्घाटन समारोह को हिंदुत्व के उत्सव के तौर पर पेश किया था। लेकिन उन्होंने वहां से शुरुआत ना करके भारत की पुरानी संसद के संविधान सदन को चुना। ये वही संविधान सदन है जहां देश का संविधान लिखा गया था, ये वही संविधान सदन है जहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा के सदस्यों के साथ मिलकर देश के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए संविधान में तमाम प्रावधान किए थे। इसलिए संविधान के सामने झुकते हुए मोदी की ये तस्वीरें कई मायनों में अहम हो जाती हैं। जो मोदी आज संविधान को नमन कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी वाले कह रहे थे कि 400 पार सीट मिलते ही सबसे पहला काम संविधान को बदलने का करेंगे। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया। अब ज्योति मिर्धा जैसे लोगों को मोदी की ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ये तस्वीरें देखकर मेरे मन से तो एक ही बात निकल रही है, बड़े आए संविधान को बदलने वाले। भारत का लोकतंत्र अपनी गति से चलता है, इस लोकतंत्र ने जाने कितने प्रधानमंत्री देखे, प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन संविधान वही है। किसी प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लागू करके संविधान को कुचलना चाहा तो कोई प्रधानमंत्री संविधान बदलने के लिए समीक्षा आयोग बनाने लगा, कोई संविधान को नकारता रहा तो कोई 400 पार सीट मिलने पर संविधान को ही बदलने की बात करने लगा। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान को इतना ताकतवर बनाया है कि वो ऐसे तमाम लोगों के हमलों को झेलकर भी ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में संविधान सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि मोदी तीसरी बार पीएम बने और उन्हें 400 पार सीटें मिली तो वो संविधान को ही बदल देंगे। चुनाव में संविधान और लोकतंत्र बचाने की बातें होने लगी। पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाई और बहनों, लड़ाई इस किताब की है। ये जो है ना, इसके बिना हिंदुस्तान नहीं बच सकता। ये जो किताब है, ये आपकी किताब है, ये आपकी रक्षा करती है, अदानी अंबानी से आपको बचाती है, आपको जमीन का हक दिलवाया, आपको रोजगार दिलवाती है, आपको आरक्षण दिया, आपको पब्लिक सेक्टर दिया। इस किताब को बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। मैं आप सबके साथ मिलके बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग सपने मत देखो, इस किताब को कोई नहीं मिटा सकता है। न केवल ये महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग कहना चाहते हैं उन लोगों से जो संविधान बदलना चाहते हैं, इस बार फिरोजाबाद की जनता उनको बदलने का काम करेगी। ये जो डबल इंजन वाली सरकार, इन्होंने हर जगह होर्डिंग लगवा दी हैं,
होर्डिंग देखी आपने, उसमें पहले से ही एक इंजन गायब है और जिसके लिए वोट मांगना है वो इंजन है ही नहीं होर्डिंग में। ये जनता जब वोट डालेगी तो वो इंजन भी गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इस बार का लोकसभा चुनाव सामाजिक न्याय के मसले पर ही लड़ा गया। हिंदुत्व की राजनीति के दौर में कट्टर हिंदुत्व की काट के तौर पर अंबेडकरवाद और बहुजनवाद ही मजबूत विकल्प के तौर पर उभरा। भारत की सभी विपक्षी पार्टियों को ये बात समझ में आ गई कि अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो उन्हें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के फोटो हाथों में उठाने होंगे और उनके बनाए संविधान को बचाने का नारा लगाना होगा। विपक्ष ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से इस बार के चुनाव में संविधान बनाम मनुवाद की धारणा पेश की और पूरा चुनाव सामाजिक न्याय के मसले पर शिफ्ट हो गया। जो बीजेपी हिंदू मुसलमान और चीन पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव लड़ती थी उसे भी मजबूर होकर दलित आदिवासी और पिछड़े समाज के आरक्षण पर बात करनी पड़ी। इस लोकसभा चुनाव में जातिवार जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, संसाधनों पर वंचित वर्गों का हक, SC/ST समाज को मिलने वाले अधिकार और वंचित वर्गों की हकमारी का मुद्दा सबसे प्रमुख बन गया। इस चुनाव में भले ही विपक्ष हार गया हो लेकिन दलित बहुजन नजरिए से ये चुनाव कई मायनों में अहम साबित हुआ। इस चुनाव ने साफ कर दिया कि जो भी संविधान को बदलने की बात करेगा उसे ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी और अब संविधान के खिलाफ बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं होगी। आने वाले कई दशकों तक संविधान पर अब कोई आंच नहीं आने वाली, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई संविधान को बदलने की बात भी बोल सके। साथ ही इस चुनाव ने यह भी साफ कर दिया कि बीजेपी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जवाब सामाजिक ध्रुवीकरण ही है, इसलिए आने वाले कई दशक तक अब सामाजिक न्याय ही राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र रहेगा। अब हर पार्टी को दलित बहुजन समाज की बात ही करनी होगी। ये दौर मंडल बनाम कमंडल जैसा ही है, तब भी हिंदू मुसलमान करने वाली बीजेपी को सामाजिक न्याय के योद्धाओं ने हराया था और अब इस बार भी बीजेपी के रामराज को सामाजिक न्याय ने ही कई टक्कर दी है। भले ही बीजेपी NDA के सहारे तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई हो लेकिन इस बार मोदी उतने ताकतवर नहीं होंगे जितने पिछली दो सरकारों में थे। एक तरफा फैसला लेने की उनकी आदत अब उन्हें बदलनी पड़ेगी। अब उन्हें गठबंधन के सहयोगियों की बात सुननी पड़ेगी। अब उन्हें दूसरों के भरोसे पर रहना होगा। जो मोदी प्रचंड बहुमत मिलने पर घमंड किया करते थे, अब उनका घमंड 5 साल के भीतर कभी भी टूट सकता है। आज बिहार के CM नीतीश कुमार ने भरी सभा में मोदी को कह दिया कि बिहार के सारे काम करा लिए जाएंगे। तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। अब बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं। इसी तरह TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी सरकार में बड़ी भूमिका में हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे छोटे दलों के नेता भी बड़े ही आदर से पास बैठाए जा रहे हैं। अगर बीजेपी ने जरा सी भी ऊंच नीच करी तो उसकी सरकार कभी भी पलट सकती है, इसलिए बीजेपी को सोच समझ कर चलना होगा। बीजेपी के लिए अब मनमाने फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। NDA में कई दल ऐसे हैं जिनकी पूरी राजनीति ही सामाजिक न्याय पर टिकी है, इसलिए अगर मोदी ने सामाजिक न्याय के उलट कोई काम किया तो उनकी सरकार गिरते देर नहीं लगेगी। कुल मिलाकर मोदी के लिए तीसरी सरकार चलाना काफी मुश्किल होगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे, हम मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार चाहते हैं जिससे हम अपने काम करवा सकें। इस बार के चुनाव में मान्यवर कांशीराम साहब के विजन की जीत हुई है। बहुजनों ने एकजुट होकर बीजेपी को रोकने का काम किया और अब सरकार दबाव में रहेगी। ये दबाव ही संविधान की ताकत है, ये दबाव ही संविधान की अपनी गति है, क्योंकि संविधान ने अपनी गति से बड़े बड़ों को घुटनों पर ला दिया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान हमेशा रहेगा और देश को नई दिशा दिखाता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही साथियों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।